चलिए बात करते हैं टीम इंडिया के नए संकट मोचक हनुमा विहारी की, जिन्होंने विंडीज दौरे पर धमाल मचा दिया। विहारी विंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टॉप स्कोरर रहे और अब उन्हें नया वीवीएस लक्ष्मण माना जा रहा है। टीम इंडिया को मिल गया संकट मोचक। लक्ष्मण की राह पर चले विहारी, हनुमा विहारी विंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के टॉप स्कोरर रहे। हनुमा विहारी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई दो टेस्ट मैच की सीरीज में 96.33 की शानदार औसत के साथ 289 रन बनाए। इस दौरान हनुमा के बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक भी निकले। आई थिंक द फाइंड ऑफ द सीरीज हैज टू बी हनुमा विहारी, द वे ही इज बैटेड अंडर प्रेशर स्पेशली एंड ऑन अ मच मोर चैलेंजिंग विकेट हियर इन जमैका देन एंटीगा। आई थिंक हिज स्किल सेट्स वर आउटस्टैंडिंग, हिज टेंपरामेंट एंड हिज टेक्निक वर top notch and he countered everything that the opposition threw at him, so very very pleased with the way he's come about and the bowlers outstanding as ever, but Ajinkya Rahane as well getting back into the runs, one of our top test players over the years, really really happy to see everything coming along nicely. Hanuma Vihari ne abhi tak khele 6 test mein 45.60 ki damdar ausat ke saath 456 run banaye hain. Is dauran Hanuma ke balle se ek shatak aur teen ardhshatak ki pari nikli hai. Aur yahan par rukne kuch hi palon ke liye, jald hazir honge.